शुक्रवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक 59 घंटे के बंद को लेकर परिवहन विभाग बाहर से आने वाले या बाहर जाने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो उसके लिए पूरी तरह तैयार है। 59 घंटे के बंद को लेकर परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के तिवारी ने बताया कि बाहर से आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की यात्रा करने में कोई परेशानी नहीं होगी। रोडवेज की बसों के साथ ही अनुबंधित बसें भी सड़कों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं, जिससे यात्रियों को यात्रा करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के तिवारी ने कहा, बाहर से आने और जाने वाले यात्री जो भी आएंगे यहाँ हमारी लोकल, क्योंकि बाहर से आने वाले यात्री यहाँ से लोकली जाते हैं, अंदर से लोकल से आकर के बाहर जाने वाले यात्री बहुत कम मिलेंगे, लेकिन उनके लिए जो बाहर से बसें आई रहेंगी वो लगभग संचालित होंगी। हमारे यहाँ की बसें ज़्यादातर इलेक्शन ड्यूटी में चली गई हैं, हमारी लंबी दूरी की बसें, लेकिन बाहर से बसें जो यात्री आएंगे तो उन यात्रियों को लेकर के जो बसें आएंगी वो फिर वहाँ से वापस जाएंगी, तो उनसे जो है बाहर जाने वाले यात्री यात्रा कर लेंगे। बाकी अनुबंधित बसें हमारे हर लोकल रूट पर यहाँ पर मुस्तैद रहेंगी और यात्रियों की उपलब्धता तो वो सारी बसें संचालित होंगी।